हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो करंट सिचुएशन है। आपके पार्टनर के करंट सिचुएशन राइट नाउ क्या है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, चेक करते हैं हम। सो गाइस, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन पर फोकस कीजिए, गॉड से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी मिले इस सिचुएशन में। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतना ही लीजिए, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें, ओके। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल भी नहीं करें। क्या है आपके पार्टनर की करेंट सिचुएशन एंड आपके लिए फीलिंग्स उनका? पॉजिटिव रहें हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेकर, ओके। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए? ओके, करियर यहाँ पर आया है इंटीग्रेशन, तो दोनों मेजर आर्काना है, ओके। तो राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा, ओके। इनको लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है कि टूट जाए। हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों के बीच काफ़ी लंबे अर्सों से बातचीत नहीं हुई है, ऐसा हो सकता है। बट फिर भी उनको लगता है कि आप दोनों का कंप्लीशन ज़रूर होगा, आपका यूनियन ज़रूर होगा। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, ये उनका फीलिंग्स है, ओके। करियर देख पा रही हूँ मैं आपके पार्टनर में, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ रही है उनमें, ठीक है, चीज़ों से लड़ने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन थोड़े से वीक पड़ जाते थे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता हमारा रिलेशनशिप का ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट मैं देख पा रही हूँ कि राइट नाउ उनमें काफ़ी ज़्यादा करियर आ रही है और वो लड़ना चाहते हैं आपके लिए, लड़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लड़ना चाहते हैं आपके साथ। कंप्लीशन ज़रूर चाहिए इस पर्सन को। गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील कर पा रहे हैं राइट नाउ, काफ़ी ज़्यादा, ओके। ये आप दोनों ही कर पा रहे हैं एक दूसरे के लिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ओके। हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर ये लग रहा है कि हमारा मिलना नामुमकिन है, मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा, तो निगेटिव ना हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर निगेटिव ना रहें आप। गॉड को सरेंडर करें यार और भरोसा रखें, सब कुछ सही होगा, ओके। जैसा सोचोगे वैसा होगा, तो अच्छा फील करें निगेटिव सोचने के बजाय। अगर ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट करते हैं, ओके, सो बहुत अच्छी बात है। अगर इस पर्सन का लव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रू है, तो अगर आपको इंट्यूशन आता है ना ऐसा, तो भरोसा रखें, भरोसा ना खोएं। कंडीशनिंग या थर्ड पार्टी का आना ज़रूरी होता है क्या? क्यों हमारे हर रीडिंग में टपक पड़ते हैं? बट कोई बात नहीं, पास्ट लाइव्स, तो यस, इनको लग रहा है आपके साथ एक अलग ही तरह का कनेक्शन फील होता है आपके पार्टनर को, जो अब तक इन्होंने कभी फील नहीं किया। हो सकता है कि इनकी लाइफ में और कोई रहे हैं आपके अलावा, थे या अभी हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, ओके। तो इनको लग रहा है कि इनको आपसे ज़्यादा कहीं, आपसे ज़्यादा ना कोई नहीं समझ सकता इनको। आप इनको काफ़ी अच्छे से समझा करते थे, इनका केयर किया करते थे, इनका मूड कैसा है आप जान लेते थे, ओके। अब इनको कोई समझ नहीं पा रहा है, ये पर्सन जहाँ भी है, देखिए आपके लिए लव फील तो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। आपको महसूस भी कर रहे हैं, आपको फील भी कर रहे हैं, या आपको भी महसूस हो रहा होगा, उनकी एनर्जी आप तक भी पहुंच रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो राइट नाउ, ओके। आप दोनों ही एक दूसरे को मैच कर रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या, पता है प्रॉब्लम यहाँ पर थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आप कोई भी हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफर करेगा, ओके। तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है आप वही लीजिए। किसी के लिए हो सकता है कास्ट रिलीजन, किसी के लिए फैमिली इशू, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, जहाँ पर आपके पार्टनर खुद को बंधा हुआ पा रहे हैं अभी भी। जो रीडिंग में आया है मैं वही बताऊँगी आपको, ओके।
आपके लिए लव फील कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपको मेज भी करते हैं, बट जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, ओके, इनमें थोड़ी सी हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, अभी अभी मैंने कहा कि इनमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ रही है, करेज आ रही है, वो सही है, बिल्कुल सही है, करेज का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके। बट कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है कि वो बिल्कुल चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी उनका फैमिली हो सकता है, ओके, उनका कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ उनको रोक रहा है आपके पास पहुँचने के लिए, आपके पास आने के लिए। इंटेंसिटी एंड फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है यहाँ पर, तो देखिए आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ अलग अलग हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग 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 प्लेस से हो सकते हो आप लोग, अलग अलग कंट्री, सिटी, स्टेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर या आप दोनों का नेचर अलग अलग हो सकता है, उनका कुछ और आपका कुछ और, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों का ना मैच नहीं हो पाता, हो सकता है कि आप दोनों समझाना कुछ और चाहते हैं, समझ कुछ और जाते हैं सामने वाले पर्सन, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है या तो रही है पास्ट में ऐसा, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है गाइस कि अगर आप दोनों के बीच बहुत ही दिनों से, काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, तो ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, रॉकेट की तरह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, देख पा रहे हैं ना कितने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। हाँ, यहाँ से निकलना बिल्कुल चाहते हैं, यहाँ निकलना चाहते हैं। वो होते हैं ना यार कुछ लोग कि नहीं 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 ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, ये रिलेशनशिप सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये दुनिया भर के लोग आसपास में होते हैं ना जो उनको थोड़ा सा वीक बना रहे, कमज़ोर कर रहे हैं, ओके। बट बावजूद इसके वो आपके पास ज़रूर आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों की बातचीत स्टार्ट हो गई है और कुछ लोगों का होने वाला है, फ्रेंडली ने फ्रेंडशिप से शुरुआत करेंगे ये, हो सकता है आपसे आकर कहे कि चलो फ्रेंड्स बनकर रहते हैं, ओके, बट इनका इंटेंशन कुछ और रहेगा, आपके लिए रोमांटिक फील करते हैं ये पर्सन, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, ओके। ये भले किसी भी तरह के थर्ड पार्टी को ला सकते हैं आप दोनों के बीच, बट आप नहीं ला सकते हो, ये इनका एनर्जी है। कंट्रोल, यस, डेफिनेटली मुझे दिखाई दिया है इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर रहे हैं, इनका सिचुएशन, थर्ड पार्टी, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके, देख पा रहे हैं आप लोग, रिबर्थ का कार्ड आया है, डेफिनेटली इस पर्सन को न्यू बिगनिंग चाहिए, एक रिबर्थ चाहिए आपके आपके साथ, ओके। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ये रिबर्थ, तो डेफिनेटली आपके बिना काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, खुद को अकेला पाते हैं, लोनली फील करते हैं, रोते भी हैं, ये पास्ट की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मेश करते हैं, सोचते हैं ये नहीं होना चाहिए था, क्या से क्या हो गया, इतना खूबसूरत रिलेशनशिप क्या हो गया अचानक से, ये बहुत कुछ सोचते हैं, ये कहीं ना कहीं खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं, आपको भी ज़िम्मेदार मानते हैं, ओके। सो आपके पार्टनर के दिल दिल में ना सब कुछ है, थोड़ा सा गुस्सा देख पा रही हूँ, लव देख पा रही हूँ, सब कुछ, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, लव, सब कुछ। साइंस बता देती हूँ आप लोगों को, लियो है यहाँ पर, कैप्रिकॉन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरियस, लियो, सैजिटेरियस भी है गाइस, ऑल साइंस रीडिंग है, ओके। हीलिंग का कार्ड आया है यहाँ पर, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, अगर हाँ इनको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता हमारा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो अब इनको लगता है कि नहीं, चीज़ें सही हो सकती है, हाँ मुश्किल है बट नामुमकिन भी नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है,
काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं, रात रात को काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे सब कुछ सही किया जाए, कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी है ना, अपने फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा। या तो इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, और ये अपने फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हीलिंग किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली आपके लिए प्यार है इनके दिल में। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। सो इनके दिल में आपके लिए प्यार है, प्यार है, बट आपके पार्टनर ना प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए। इनका दिल कुछ और कहता है और ये करते कुछ और हैं, इस तरह की पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपना अपना भी नहीं सुनते ये पर्सन, ठीक है, लोगों का सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग से कुछ और सोचते हैं और करते दूसरों के बताए रास्ते से हैं, यानी कि जो लोग कहते हैं वैसे ये करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर नज़र आई है। कंडीशनिंग का कार्ड है यहाँ पर। थर्ड पार्टी होते ही क्यों है लाइफ में? देख पा रहे हैं आप लोग किसकी फीलिंग्स है ये, आपके पार्टनर की ज़्यादा लग रही है मुझे। आपका भी हो सकता है या तो आप दोनों का ही हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये कार्ड्स लेना चाहूँगी मैं। ड्रीम्स, आपके सपने आते हैं इस पर्सन को, आपको भी आते होंगे। स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, कोई तो भड़का रहे हैं इनको, देख पा रहे ना। चांसेस है कुछ ना कुछ लॉसेस हुआ है इनको इनकी लाइफ में, या इनको ऐसा लग रहा है अभी कि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं जा रहा है, ये इनके फीलिंग्स है, ठीक है। थोड़े से लड़ाई करने के मूड में नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अगर आप दोनों के बीच बातचीत होती है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पास्ट की चीज़ों को ना ला सकते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने भी तो बात की शुरुआत नहीं की, कुछ इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। वाह गाइस, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। या तो कोई आपको सीक्रेटली देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको पता नहीं है ये, बट आपके पार्टनर और कोई और अदर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। कोई तो है जो आपको चोरी सी पे देखे जा रहे हैं, आपके बारे में सपने देखे जा रहे हैं। क्या बात है यार, एक मैसेज मुझे यहाँ पर और मिल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनमें पैशन देख पा रही हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, अट्रैक्शन है, लव भी है यहाँ पर। इस पर्सन को सब कुछ चाहिए आपके साथ, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं ये, या चाहते हैं कि आप इनके मर्ज़ी से करो जो कुछ भी हो, आप दोनों की रिलेशनशिप में ये इनके मर्ज़ी से हो। आपको कंट्रोल करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये जैसा चाहे रिलेशनशिप को चलाएंगे, आप नहीं। आप सिर्फ हाँ हूँ करें इनके बातों में, इनके बातों में हामी भरे, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपको गुस्सा आ रहा होगा इन पर मैं क्या करूँ, इनकी एनर्जी है। लवर्स का कार्ड आया है, वाओ क्या बात है, इंटीग्रेशन का भी आया था इससे पहले। सो यस, लव है यहाँ पर, म्यूचुअल है, बट थोड़ी सी रास्ता भटक गए हैं आपके पार्टनर, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। रास्ता भटक गया इन द सेंस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच है जिसका सुनते हैं ये, जिनके अंडर में हैं ये, अभी भी हैं, जो आया है वही बताऊंगी। आपको लेकर हाँ इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग्स करते हैं कि आप इनके साथ होते इस वक्त तो ये आपको हग कर लेते, कितना अच्छा होता, ये आपसे अपने दिल की बातें शेयर करते, सब कुछ बताते आपको कि क्या कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में आपके बिना, ये आपसे कितना प्यार करते हैं वगैरह वगैरह सोच रहे हैं। और थोड़े से लड़ाई के मूड में भी हैं, तो सोच रहे हैं कि आपसे लड़ाई भी करते हैं ये। तो चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन आपसे बात करेंगे, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो।
और अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं, अगर ये अपने दिल की बातें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये क्या आपको बताएंगे? चलिए देखते हैं कि बस ऐसे ही मैसेज नहीं करते रहेंगे ये पर्सन। टावर, ओके गाइस, मुझे लग रहा है यहाँ पर कि ये ना आप चीज़ों को, जो सेपरेशन आप दोनों के बीच है ना, इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, और मुझे दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों कॉन्टैक्ट में हैं, आप दोनों के बीच बातचीत होती है, तो डेफिनेटली ये आपसे शेयर करेंगे अपने दिल की बातें, आपको बताएंगे। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं तो, अगर नो कांटेक्ट में हैं तो मुझे रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है, रीयूनियन दिखाई दे रहा है यहाँ पर डेफिनेटली। ओके, ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत सारे खुशियाँ दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों ही मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड लवर्स, वाओ। तो देखिए, म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों का ही। ओके, म्यूचुअल एनर्जी है, लव है यहाँ पर डेफिनेटली है। आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए ना यूनिवर्स कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपके पर्सन ने कहीं और मैरिज नहीं की है, ओके, अगर ये सिंगल हैं, आप सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, दोबारा से इनकी एंट्री होगी, डेफिनेटली होगी यहाँ पर। ओके, क्योंकि लवर्स का कार्ड दो बार आया है, डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड प्रोटेक्टेड है आप दोनों का रिलेशनशिप। चांसेस है आप लोग ट्विन फ्लेम है या तो सोलमेट हो। आप दोनों के यूनियन में डिले हो सकता है, पर सब कुछ सही होगा एक दिन, आपको भरोसा रखना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। ओके, ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा, और आपके साथ विक्ट्री चाहिए इस पर्सन को। इनको लगता है कि आप ही इनके सनशाइन हो, ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं और कहीं नहीं, आपके अलावा इनको और कोई नहीं खुश कर सकता। ओके, इनको आप ही इनकी लाइफ में चाहिए, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और उनकी करेंट फीलिंग्स, उनका करेंट सिचुएशन मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो अपने वर्क पर काफ़ी ज़्यादा बिजी भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपको भी मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बात का टेंशन है उस पर्सन को, ठीक है, आपके पार्टनर को, जो आप दोनों के बीच सही नहीं चल रहा है, इसका टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कैरियर का टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है, फैमिली इशू दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, कोई ना कोई तो है अभी भी आपके पार्टनर की लाइफ में, आप दोनों के लव लाइफ में, जो इनको भटकाते हैं, जो आप दोनों एक हो वो नहीं चाहते। वो कौन है आप दोनों की लाइफ में, वो आप देखें, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई और, कौन है वो, कास्ट, रिलीजन, कौन है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि तुम्हारा ये अलग है, वो अलग है, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, फैमिली पर क्या बीतेगी, वो होते ना दुनियादारी वाले लोग, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर, जिसकी वजह से इनको डिले हो रहा है। ओके, बट डेफिनेटली ये आना चाहते हैं, इनके करेंट एनर्जी यही दिखाई दे रहा है मुझे, इनको सब कुछ सही करना है, आपके पार्टनर को क्या करना है क्या नहीं करना है क्लैरिटी मिल रही है, ये क्लियर है इनको क्या करना है, इनको पता है कि इनको आपके पास आना है, इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए, हाँ डिले कर रहे हैं, इनको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। ओके, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप इनके ही हो, ये जब चाहे तब आपको मना सकते हैं, आप इनसे अभी भी लव करते हो, इस पर्सन को पता है। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, कौन किस हाल में है, दुखी है, परेशान है, डेफिनेटली आप लोग फील कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का ही, आप दोनों का। ओके, ये मुझे नज़र आया यहाँ पर। सो गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, आपके पार्टनर का करेंट सिचुएशन एंड करेंट एनर्जी यही है, वो मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो टावर मोमेंट उनके लाइफ में चल रहा है इस वक्त। ओके, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर।
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखें। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।